पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो बच्चों, लूप के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो बच्चों, बहुत अच्छे से देख लो यार, मैंने चाहता आप लोग एग्जामिनेशन में फिर परेशान हो जाओ। एक बार देख लो, जिन्होंने कर लिया है वो भी एक बार रिवाइज कर ले अच्छे से। ये एक लूप है बच्चों, ये ऐसे प्लेन में रखा हुआ है, ये सेंटर से एक पॉइंट पास हो रहा है, ये पी पॉइंट है, ये एक्सियल पॉइंट है लूप का। लूप में करंट फ्लो कर रहा है, करंट एलिमेंट मान लो। अभी हम डायरेक्शन नहीं दिखा रहे बच्चे, एक पी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यहां से पोजीशन वेक्टर ले लो। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये एक्सियल डिस्टेंस हो गया उस पॉइंट का। मान लो इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है, और वैसे ऑल द भी हम करंट की डायरेक्शन नहीं दिखा रहे, चलो ले भी लेते हैं। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो मान लो ये होगी डी बी। अब ये क्यों होगी, इसका कारण क्या होता है बच्चों? अगर हम लोग बायट सवर्ट लॉ यूज करते हैं तो बायट सवर्ट लॉ से की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसके परपेंडिकुलर होती है? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है इस परपेंडिकुलर टू पोजिशन वैक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट। क्यों ऐसा क्यों बच्चे बोलो? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बनी होती है वो किसके क्रॉस प्रोडक्ट से बनी होती है? आइडियल क्रॉस आर। खैर अभी हम इसकी बात ज्यादा नहीं करते। तो इस एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलती है हमें। हम यहां पर इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल अगर अल्फा ले लो तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, अल्फा ले लो थीटा ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ऐसा क्यों होगा भाई? देखो क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि चक्कर क्या है बच्चों, करंट देखो, करंट की डायरेक्शन अभी मैं दिखा नहीं हूं यहां पर फिलहाल, वो तो हम उसी हिसाब से डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अभी बच्चे डायरेक्शन में इतनी नीड नहीं है, कोई डायरेक्शन डायरेक्शन चेक नहीं करेगा आपकी। अभी रुक जाओ बच्चे, अभी देख लेते हैं। ठीक है, बाद में देख लेंगे, बता देंगे आपको डिटेल में। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है मान लो। अब इसके हम कंपोनेंट्स ले लेंगे, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा डी बी कॉस अल्फा, ये हो जाएगा डी बी साइन अल्फा। ऐसे ही एक वर्टिकली अपोजिट एलिमेंट है ये, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इसकी भी हम कंपोनेंट ले लेंगे, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा डी बी कॉस अल्फा डी बी साइन अल्फा। तो यहां पर जितने भी वर्टिकल अपोजिट एलिमेंट्स होंगे, जैसे इस एलिमेंट का अपोजिट ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का अपोजिट ये एंगल है, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई अपोजिट एंगल होता ही होता है, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई अपोजिट एंगल होता ही होता है, और सारे वर्टिकल अपोजिट एंगल एलिमेंट्स एक दूसरे का कॉस कंपोनेंट, मतलब कि डी बी कॉस अल्फा का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी होगी? हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डी बी साइन अल्फा एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन से आएगी। सबसे पहले ये बच्चे, बायट सवर्ट लॉ में डीबी क्या होता है? डीबी क्या होता है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है बायट सवर्ट लॉ? बायट सवर्ट लॉ कहता है कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप छोटा सा एलिमेंट लेते हो, करंट कैरिंग एलिमेंट लेते हो, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होती है। और ये फॉर्मूला होता है बायट सवर्ट लॉ का। अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं ये हम आपको बताते हैं अभी भी। ये आर क्या होता है बच्चे? उस किसके बीच का डिस्टेंस? करंट एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस, जैसे करंट एलिमेंट और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ये जैसे यहां डिस्टेंस है, ये करंट एलिमेंट है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। और ये थीटा क्या होता है? थीटा बच्चे एंगल होता है किसके बीच का? करंट एलिमेंट के बीच का एंड पोजिशन वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहां पर अगर हम डीबी की वैल्यू इस केस में ले, इस छोटा सा एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ले, तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट आ जाएगा, फोर पाई की जगह फोर पाई आ जाएगा, आइडियल की जगह आइडियल आ जाएगा, साइन थीटा की जगह क्या आएगा बच्चों बताओ? साइन थीटा वन हो जाएगा, बिल्कुल सही। करंट एलिमेंट जैसे ऐसे मान लो, और ये पोजीशन वेक्टर ऐसे, तो इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है भाई बताना? 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ साइन 90 हो जाता है, साइन 91 हो जाता है बच्चे। और डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? ये आर है, ये एक्स है, ये क्या हो जाएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका स्क्वायर चाहिए होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा। और साइन थीटा तो यहाँ वन हो जाएगा हमारे पास। तो ये छोटे से एलिमेंट की वजह फील्ड है। और यहां पर जो हमने साइन अल्फा लिखा है वो कैसे आएगा? साइन अल्फा के लिए आपको ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल देखो, अच्छी ट्राइंगल है,
और इसमें ये जो नीचे है ये x है, ये r है, ये अल्फा है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। देख रहे बच्चों, तो साइन अल्फा हम इससे निकालेंगे, इस ट्राइंगल से निकालेंगे, ठीक है। क्या आएगा ये बताओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डी बी म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल साइन 91 हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आर बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ, क्योंकि रूट में है ना। अब देखो जो जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लो, ये कॉन्स्टेंट है म्यू नॉट बाय फोर पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो आई, कुछ ऐसा तो नहीं हमने छोड़ दिया, हाँ अच्छे टू नहीं आएगा, अच्छे वो पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दो दो एलिमेंट्स नहीं है, सारे एलिमेंट कंडीशन है, ठीक है। आई को बाहर ले लेते हैं, आर को बाहर ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, 3/2, इंटीग्रेशन किसका जाएगा, डीएल का, इसके छोटे छोटे सारे एलिमेंट इंटीग्रेट कर देंगे तो डीएल का कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 2πr हो जाएगा, चाहे तो लिमिट पुट कर दो। बट वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, अच्छे एक चीज को ध्यान रखना, आपकी डेरिवेशन में बार बार एक चीज रिपीट करता हूँ क्लास में, कि डेरिवेशन को बहुत ज्यादा गौर से देखा नहीं जाता है, आपकी मिस्टेक्स नहीं निकाली जाएंगी खास, तो ये ध्यान रखना कि अपना न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, डेरिवेशन में अगर कुछ कमी भी होगी तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, स्कूल की तरह नहीं होता कि 5 में से 3 दे दिया, बोर्ड्स में डेरिवेशन में फिर भी मार्क्स दे देते हैं और आपको टेंशन नहीं होगी इस चीज़ की। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये डेरिवेशन आ जाएगा अच्छे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है अच्छो। कि एक लूप है, लूप है, लूप के एक्सियल पॉइंट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन वायर। इधर देखो अच्छे, तो यहाँ पर हमारे पास एक थिन वायर है और काफ़ी लॉन्ग वायर है, कई बार इसे इन्फाइनाइट वायर भी बोल दिया जाता है। इससे कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, यहाँ पर कुछ दूरी पे है, आर डिस्टेंस की दूरी पे है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आपको कि व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। अगर आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो आप एक काम करो, अच्छे एम्पीरियन लूप बना दो, जैसे गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस बनाते थे, ऐसे ही एम्पियर सर्किट लॉ में हम क्या मानते हैं, एम्पीरियन लूप मानते हैं। तो आप ये एम्पीरियन लूप मान लो अच्छे, और यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ लगा दो। बट एक चीज ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसी रेडियस का आपको एम्पीरियन लूप मानना पड़ेगा। जैसे आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी तो इतने डिस्टेंस पे आपको निकालनी थी, उस डिस्टेंस का ही आपको रेडियस मान लिया आपने एम्पीरियन लूप का, मतलब एम्पीरियन लूप यहाँ से पास होते हुए जा रहा है, और एम्पीरियन लूप का सेंटर कहाँ पर है, वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये जो एम्पीरियन लूप है बच्चे ये इमेजिनरी लूप होता है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आप ये लगाओगे तो आपने ये कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया जाता है एक वायर के आसपास। इधर देखो बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी कंसेंट्रिक होती है, ऐसे होती है, और एम्पीरियन लूप भी कंसेंट्रिक है। तो वायर अगर आप देखो एम्पीरियन लूप में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ले लोगे तो हमारा एम्पीरियन लूप भी सर्कुलर है, और एक वायर के आसपास फील्ड भी कैसी होती है, सर्कुलर होती है, मतलब दोनों सर्कुलर है। अगर दोनों ही सर्कल है तो दोनों की टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहां पर जब आप इसे ओपन करोगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई को, में ये तो ये हो जाएगा बी डी एल बताओ चे कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट आई, और कॉस 0 क्या हो जाता है, 1। मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट कैसे है, बताओ बच्चे। एक्चुअली क्या है कि इस वायर के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, क्योंकि इस वायर से एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट की दूरी क्या है, सेम है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन किसका किया, डीएल का किया, तो एम्पीरियन लूप के छोटे छोटे सारे एलिमेंट इंटीग्रेट कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये नीचे आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई बाय 2πr। इधर देखो अच्छे समझे, तो एक थिन वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट आई बाय 2πr होती है। इसके बाद हम आते हैं थिक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड,
देखो अच्छे थिक वायर के आउटसाइड, देखो अच्छे अब एक होता है आउटसाइड एक होता है इनसाइड, आउटसाइड तो सेम होता है, जैसे मान लो पॉइंट आउटसाइड इस वायर से आई करंट जा रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर यूज करते हैं आउटसाइड के लिए, बट इनसाइड के लिए आपको फिर से अलग से डायरेक्शन करना पड़ेगा। आयुष बच्चे इधर देख लो यार, देख लो बच्चे मेरी अटेंशन दे दो ना, इधर देखो जब आपको टाइम दे देंगे आप, अगर आपको 5 मिनट ब्रेक चाहिए हम दे देंगे, इधर देख लो भी। तो इनसाइड अच्छे इनसाइड चाहिए तो इनसाइड के लिए हम अलग से आगे निकालते हैं। तो अच्छे इनसाइड के लिए दो तरीके हैं, या तो पूरा दोबारा से एम्पीयर सर्किट वाला लगा दो ऐसे, या फिर आप शॉर्टकट अपना हो, वैसे तो मैंने नोट्स में शॉर्टकट अपनाया है बट अभी फिलहाल मैं नहीं अपनाना चाहता, अभी मैं पूरा एम्पीरियन लूप मान के करूंगा। तो इनसाइड में क्या होता है कि इनसाइड में हम अंदर ही एम्पीरियन लूप मान लेते हैं ऐसे सर्कुलर सा, ये आपने सर्कुलर अंदर ही मान लिया, उस एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है वो आप स्मॉल आर मान लो, वायर का रेडियस हम ए मान लेते हैं मान लो, वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हो, वायर का रेडियस हमने ए मान लिया, एम्पीरियन लूप का रेडियस हमने आर मान लिया। तो अब देखो अच्छा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, तो एक्चुअली क्या है ये फॉर्मूला जब आप सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से यहाँ तक तो ये आ जाता है ऐसा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ऐसे। तो यहाँ पर लेंथ क्या होगी, लेंथ तो वही आ जाएगी भाई 2 पाई आर, बट यहाँ करंट क्या आएगा, करंट एक्चुअली सारा नहीं लेंगे, करंट वो लेंगे जो थ्रेड करके जा रहा है एम्पीरियन लूप के अंदर से जा रहा है, ये आपने एम्पीरियन लूप माने क्रॉस सेक्शन में, तो ये करंट हम कंसिडर करेंगे, बाहर वाला करंट पूरा करंट कंसिडर नहीं करेंगे, वायर का ये क्रॉस सेक्शन लिया छोटा सा एरिया लिया है, तो कितना करंट जाएगा, तो हम यहाँ पर करंट डेंसिटी यूज करेंगे, करंट पर यूनिट एरिया क्या होगा आई बाय पाई ए स्क्वायर, और गिवन हमारा एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो हमारे गिवन एरिया में जो करंट होगा उसको हम लोग आई डैश बोल देते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि हम वायर के अंदर निकाल रहे हैं फील्ड, तो वायर के अंदर सारा करंट नहीं एज्यूम कर सकते, अगर यहाँ पे आप निकाल लो तो इतने इसी रीजन का करंट लो, समझो वायर के बाहर पूरी वायर का करंट लो बट वायर के अंदर पूरी वायर का करंट नहीं ले सकते इतने से रीजन का, ये समझ में आ रहा है, ये दो व्यूज है, ये ऐसा व्यू साइड व्यू और ये क्रॉस सेक्शन व्यू, समझो ये ऐसा व्यू है और ये ऐसा व्यू, ऐसा दिखा रखा है ठीक है, ऐसा व्यू है, और ये हम पुट कर दें यहाँ पर बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर, इसको नीचे ले जाओ, तो थिक वायर ही बच्चों ये हमारा आ जाता है। अच्छा थिक वायर के केस में एक और चीज है, थिक वायर के केस में हमारे ग्राफ आता है इनसाइड और आउटसाइड का, इधर देखो अच्छे देखो अच्छे इधर देखो ऐसे से ग्राफ आता है, इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे ये देखो इनसाइड का ये केस है, इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसे, और आउटसाइड कैसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसे। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, सरफेस के वायर के सरफेस पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है एक वायर का, ठीक है अच्छो मैग्नेटिक फील्ड इन साइड सोलेनोइड, देखो अच्छे सोलेनोइड ऐसा होता है उसके अंदर फील्ड वैसे तो प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होती है बट एनसीईआरटी वालों के हिसाब से हमें सोलेनोइड के अंदर फील्ड को अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म मानना पड़ता है, सोलेनोइड के बाहर तो फील्ड वैसे ही यूनिफॉर्म नहीं होती, यूनिफॉर्म फील्ड की क्या निशानी होती है बताओ अच्छे, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैलर हो तो उसे यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं, क्योंकि जैसे सोलेनोइड से बाहर जाती है तो स्पीड जो फील्ड है स्प्रेड हो जाती है तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, बट फिलहाल आप कह सकते हो एनसीईआरटी के हिसाब से कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, तो हम लोग ये यूनिफॉर्म फील्ड को ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे फील्ड होती है सोलेनोइड के अंदर कह सकते हैं एनसीईआरटी वालों के हिसाब से, और ये सोलेनोइड का रीजन है, हमें अंदर कितनी फील्ड है सोलेनोइड के बीच में ये निकालना है, तो इसके लिए हम एक एम्पीरियन लूप ले लेते हैं बच्चों। सर एक चीज पूछ लेना छोटी सी, हाँ अच्छा बोलो, ये भी लाइन को नीचे की दिया हमने बीच में लिया, यार ये डेरिवेशन है एनसीईआरटी वालों ने ऐसे किया है कर लो ज्यादा बेटर है, बाकी हाँ हम आपको बताएंगे कि लेने को तो एडी को बीच में लिया, एडी को जीरो कर देंगे ना अभी हम आएंगे तो,
बताते हैं, अच्छे बताते हैं। अच्छा आप ऐसे अगर जैसे कहते हो कुछ और ले, तो मैं सोचता हूँ उसके बारे में भी। जैसे आप कहोगे सर क्या हम बीच में ले लेते हैं, मैं सोचूंगा इसके बारे में, बताता हूँ सोच करता। तो ये तो 3D है ना, वो 2D में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी नहीं एक भी। देखो अच्छा मैं अभी देखो जो भी अगर कुछ इसमें चेंजेस हैं तो मैं आपको सोच के बता दूंगा। थ्रेड कर रहा है ना, अच्छा इससे तो कर रहा है वायर से, कर रहा है इधर देखो ऐसे ऐसे करेगा। चलो अच्छे इधर देखो, अब देखो अच्छे, तो ये बेसिकली एम्पियर लूप है, तो हमको यहाँ पर एम्पियर सर्किट वाला लगाना है। तो अब आपको यहाँ पे एम्पियर सर्किट वाला हर एक के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा, पूरा आप एक साथ नहीं कर सकते, आपको बी डॉट डी एल लगाना पड़ेगा, ए बी के लिए अलग, बी सी के लिए अलग, सी डी के लिए अलग, डी ए के लिए अलग। ये ठीक है अच्छा, ए बी बी सी। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, बी डी एल कॉस ए बी में एंगल कितना बनेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, हमारा एलिमेंट ऊपर जा रहा है, कितना एंगल है भाई बोलो, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, जीरो। बी सी में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बी डी एल कॉस जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और करंट एलिमेंट जो एम्पेरियल लूप है वो भी इधर ही जा रहा है डायरेक्शन। सीडी में क्या हो जाएगा, 90। यहां तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, डीए तो बाहर है, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी 180 डिग्री। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, सिर्फ एक एलिमेंट बचा बीसी। मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ले लो, डीएल इंटीग्रेशन कर दो इसके सारे छोटे। अगर आप इसकी लेंथ को एल लेते हो और ब्रेथ को बी लेते हो तो डीएल का इंटीग्रेशन, इसका लेंथ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। यहाँ पर आई ई क्या है, देखो यहाँ बहुत अजीब सा यूनिक कॉन्सेप्ट यूज होता है। आई ई को अफेक्ट, क्या बोलो, इफेक्टिव करंट कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बट एक अजीब सा यूनिक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि करंट तो वैसे अब देखो तो इसमें एक ही फ्लो कर रहा है जो है, बट जितने ज्यादा टर्न्स पास होते हैं उसकी वजह से फील्ड बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर करंट को नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो शो कर सके कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतनी फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अच्छा इसको नीचे ले आओ ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई, वेल ये हो जाता है स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये सोलेनोइड का डेरिवेशन है, ठीक है अच्छा। इसमें तो बैक्टीरिया बहुत बड़े बड़े हो गए होंगे अब तो। इधर देखो अच्छे टोरॉइड, ये अच्छे टोरॉइड है, अगर सोलेनोइड को ऐसे बैंड कर दो तो टोरॉइड बन जाता है। ऑल दो इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो सेम ही आता है। तो इसमें और इसमें एक फर्क है, उसमें एम्पेरियन लूप जो हम लेते थे वो रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप माना था हमने, यहाँ जो हम एम्पेरियन लूप मानते हैं वो हम सर्कुलर मानते हैं। और खास बात है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी सर्कुलर होती है जब आप उसको बैंड कर देते हो। पहले देखो अच्छे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, ऐसे थी सोलॉइड के अंदर, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी हो जाती है यू सर्कुलर शेप में, ऐसे इस शेप में। और आपने एम्पेरियन लूप भी ऐसा मान लिया, ऐसा ही एम्पेरियन लूप मान लिया अंदर, ठीक ठीक अंदर। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे अच्छे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है यूनिफॉर्म में बाहर आ जाएगी, डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे। ऑल दो अगर आपको पहले एंगल लिखना है तो एंगल क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि एम्पेरियन लूप भी ऐसा ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है, दोनों एक दूसरे पे कंसाइड कर रहे हैं। तो दोनों का अगर टेंजेंट लेते हो तो एंगल क्या आएगा, जीरो आएगा। और ये म्यू नॉट आई हो जाएगा, आई ई क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, कॉस जीरो वन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इसका पूरा लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर।
यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, ये लेंथ हो गया, ये स्मॉल एन हो जाएगा। खैर टोराइड का तो कम आता है, बट जब मैं कह रहा हूँ कम आएगा तो हो सकता आ जाए इस बार, कई बार ऐसे ही होता है, मैंने कहा नहीं आएगा एक बार आ गया, वही चीज़ आ गई, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है पेपर। भाई इधर देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर फोर्स लगता है एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है उस पर लगता है फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। बट अगर कोई एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होता है? एक वायर है ऐसे फील्ड में रखी हुई है, ऐसे करंट जा रहा है, आप इस अगर ये फील्ड में रखी हुई है ऐसे, जैसे इस पर हमें फोर्स निकालना है, तो पहले तो आप पूरा पूरी वायर पे फोर्स मत निकालो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो बच्चे, इस पर फोर्स निकालते हैं, एक करंट एलिमेंट ले लो आइडियल, इस पर फोर्स निकालते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट में जो फोर्स होगा वो डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू वी बी साइन थीटा होगा। बच्चे अभी डी क्यू क्यों लिया? क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो चार्ज का अमाउंट भी स्मॉल होगा, फोर्स भी स्मॉल होगा, और यहाँ वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा? वी डी हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। बच्चे यहाँ वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि वायर में जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसे कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ पर उस वायर में जो फोर्स होगा वो ये हो जाएगा डी क्यू वी डी बी साइन थीटा। अब क्या है कि हमें यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू निकालनी है कि ये जो छोटा सा एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें कितना चार्ज, वो जो छोटा सा एलिमेंट है कितना चार्ज कंटेन कर रहा है, उसकी डी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो डी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम नंबर डेंसिटी यूज करते हैं। होता क्या है कि जैसे कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो हम एक टर्म यूज करते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, बट अगर आप इतनी सी वायर ले रहे हो तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? इसकी वॉल्यूम होगी ए डी एल, क्योंकि आमतौर पर वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ, ये इसकी वॉल्यूम होगी। तो ये जो एन ए डी एल है ये टोटल फ्री चार्ज है, टोटल फ्री चार्ज इतने रीजन में, टोटल फ्री चार्ज कितना है? अब टोटल फ्री चार्ज इतना है, बट ये चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब टोटल चार्ज का मतलब सिर्फ इतना अमाउंट का चार्ज है, इतना इतने चार्ज कैरियर्स है। चार्ज से अच्छा बच्चे चार्ज कैरियर लिख देते हैं, चार्ज कैरियर्स, इतने चार्ज कैरियर्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली। नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ई, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, तो ई ले लो, यहाँ साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है जो कि हम डी क्यू लिखते हैं वो जाता है एन ई ए डी एल, ऐसे लिख लो, ई मल्टीप्लाई कर दो और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो डी एफ क्या हो जाता है बच्चे? एन ई ए डी एल डी डी बी साइन थीटा। और एन ई ए वी डी क्या होता है? आई होता है, ये हम थर्ड में पढ़ते थे, आई डी एल बी साइन थीटा। अच्छा ये आ जाएगा एक्सप्रेशन में, ये डी एल लेंथ, अरे हाँ बच्चे एक्चुअली क्या ये तो जो फॉर्मूला आया ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आया स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ पे, बट अगर पूरी लेंथ पे निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दोगे तो एफ के क्या आ जाएगा? आई एल बी साइन थीटा आ जाएगा, ऐसे भी ला सकते हो इसको। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है अच्छे, ठीक है। ये देखो अच्छा नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, दो वायर्स हैं बच्चों, पैरेलल वायर्स हैं, इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। अब एक्चुअली क्या है कि दो वायर्स के बीच में फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि इसकी फील्ड की वजह से इस पर इंटरेक्शन आता है और इसकी फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगता है। तो हमने ये अभी फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा, ऐसा पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर हम जैसे इस वायर को नाम देते हैं वन, इसको देते हैं टू, इसमें करंट है आई वन, इसमें करंट है आई टू। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो फोर्स ऑन वन, तो करंट किसका लेंगे? वन का लेंगे, लेंथ एल ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किसकी लेंगे? टू की लेंगे। भाई अंकित बताओ अच्छे, अंकित नहीं काम करो, आप बताओ अच्छे आदित्य, मैग्नेटिक फील्ड टू की क्यों ली हमने? बताओ, फर्स्ट वायर पे फोर्स सेकंड की वजह से है, क्योंकि फर्स्ट वायर पे जो फील्ड है वो किसकी है?
सेकंड की फील्ड है, फील्ड बाहरी बाहरी फील्ड आ रही है, इसकी फील्ड आ रही है इसकी वजह से। तो फोर्स वन पे निकाल रहे हैं टू की वजह से, तो फील्ड किसकी लेंगे, टू की लेंगे। करंट फर्स्ट का लेंगे, लेंथ तो फर्स्ट की लेंगे। वैसे तो हमने लेंथ को इनफाइनाइट मानते हैं इसके अंदर, तो लेंथ हम नहीं लेते, लेंथ को नीचे ले आते हैं, पर यूनिट लेंथ निकालते हैं हम लोग जब भी निकालते हैं। तो इससे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू हो गया, ये आई वन हो गया, ये लेंथ होगी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है अगर इनमें सेपरेशन अगर आ रहा है तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई टू बाय टू पाई आर। और साइन एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ साइन 90 हो जाता है। कैसे कैसे वायर है बच्चों, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, ऐसे ऐसे मतलब बाहर की तरफ आते हुए, बाहर की तरफ आते हुए मतलब कि कैसी डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है और यहाँ करंट ऊपर है। यहाँ पर हम जब थीटा में जो एंगल लेते हैं साइन थीटा में एंगल, वो कौन सा एंगल होता है, देखो करंट ऊपर जा रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही होती है, एंगल 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई 1 आई 2 एल बाय 2 पाई आर। एल को नीचे ले आएंगे, एफ 1 2 बाय एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई 1 आई 2 बाय 2 पाई आर। तो ये तो ऐसा हो गया। बट अगर हमसे कहें कि रिवर्स निकालो, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालो, तो यहां पे चीज चेंज हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, साइन 90 हो जाएगा यहां पे भी, और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे पूरा समझे है बच्चे। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, देखो बच्चे अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप एक लूप को प्लेस करते हो, तो उस पर फोर्स लगता है। मान लो ये लूप है, इसके अंदर साइड्स है ए बी सी डी, तो इस पर टॉर्क लगेगा और ये लूप घूमता है ऐसे, रोटेट करता है। तो फिलहाल तो अच्छा हमें शॉर्ट में करना है, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है। तो जैसे अगर करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर ऐसे करके, तो यहाँ पर एक कुछ खास बात होती है, जो ए बी आर्म है और सी डी जो आर्म है उस पर फोर्स लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जब हम करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स होता है ए एल बी साइन थीटा। बट यहाँ पर क्या होगा कि लूप है, लूप के चार आर्म है, चारों आर्म पर आपको अलग अलग फोर्स निकालना पड़ेगा। पर इसमें से क्या होता है कि दो आर्म पे तो फोर्स कैंसिल हो जाता है, कौन कौन से दो आर्म, ए बी और सी डी पे, इन पे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ये जो लूप है इसकी लेंथ एल है और इसकी ब्रेथ क्या है, बी है। तो फोर्स ऑन ए बी हमेशा ऐसा होता है इज इक्वल टू नेगेटिव फोर्स ऑन सी डी, मतलब ये हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ऑल दो में डायरेक्शन नहीं दिखा रहा, कभी कभार दोनों एक दोनों ए ऊपर होते हैं नीचे होता है, कई बार ये ऐसे होते हैं, मतलब जो भी होगा एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ये कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया, चलो मान लो एक ऐसा है तो एक ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा। बट इस पे फोर्स अगर ऐसा है, इस पे ऐसा है, ये वाले फोर्स ए डी और बी सी वाले फोर्स कैंसिल नहीं होंगे, और ये उल्टा क्या करेंगे, घुमाएंगे लूप को। जैसे ये इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पे नीचे लग रहा है, ये वाले फोर्स तो कैंसिल हो गए, बट इस पे ऐसा लगेगा, इस पे ऐसा लगेगा, तो ये घुमा देंगे साइड वाले फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो फोर्स है ऑन ए डी एंड बी सी, ये घुमाने का रोटेशन का काम करते हैं, और एक्चुअल में ये ऐसे लगते हैं, जैसे कि इस तरीके से लगते हैं, एक पे बाहर लग रहा है तो एक पे अंदर, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, कपल प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, कपल। कपल मतलब देखो बच्चे, ये लूप है, एक ऐसे घुमाने का काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आई एल बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बोल सकते हो। तो चाहे आप आर्म की बात करो, कौन कौन सी होती है, चाहे आप आम की बात करो ए डी की, चाहे बी सी की बात करो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा, क्योंकि इन दोनों की लेंथ एल है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल बन रहा है वो भी एंगल कितना बन रहा है, 90, क्योंकि देखो ये करंट ऊपर जा रहा है और ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड एंगल 90 बन रहा है, साइन 90 बन हो जाएगा। तो इन दोनों पर फोर्स लग रहा है आई एल बी। अब ये फोर्स कपल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये है फोर्स ऑन बी सी, वो इधर घुमा रहा है, और फोर्स ऑन ए डी इधर घुमा रहा है, ऐसे कपल प्रोड्यूस करें। तो कपल क्या होता है, नेट टॉर्क होता है ट्वाइस ऑफ एक का टॉर्क, क्योंकि ये भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों का टॉर्क ऐड कर दो, ये आ जाएगा। और ये कितना है, ये है बी ब्रेथ,
एक का टॉर्क कितना होगा, एक का टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्या होगा, आर एफ साइन फाइव, ठीक है। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, टू, रेडियस कितना है यहां पर, ये पूरा बी है, ये बी बाई टू होगा, इतना बी बाई टू होगा। फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, आई एल बी साइन फाइव, फाइव किसके बीच का एंगल है, ये रेडियस वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल है, ये बच्चे टू से टू कट जाएगा, ये लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, आई एरिया बी साइन फाइव। अब यहां पर अगर इसमें एक टर्न ना हो लूप में, एन टर्न हो, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन फाइव, और एन आई ए को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं एम, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी साइन फाइव, ये नेट टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है, समझो बच्चों। तो एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा इलैबोरेट करो, मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, ट्वेल्थ में देखो बच्चों, ये छोटा सा एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है, हमें कन्वर्जन करना है गैल्वेनोमीटर का मीटर में, मन चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते हैं बच्चे न्यूक्लियस के, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को हम करंट कैरिंग एलिमेंट की तरह, लूप की तरह ट्रीट करते हैं, और जैसे कि हर करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है। ऑल दो आमतौर पर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एनआईए, एनआईए के फॉर्म में मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, बट इलेक्ट्रॉन के केस में उसको एम से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, उसको स्पेशली म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नंबर ऑफ टर्न्स तो वन ही होते हैं, और आई ए और ए हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इस चक्कर लगा रहा है। खैर, हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं किसकी, हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम में जैसे कि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। करंट क्या होगा, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, माइनस ई, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होता है एक राउंड में जो टाइम लगता है, ये होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम पीरियड की जगह पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, टू पाई आर वी आ जाएगा। तो ये वैल्यू, और यहाँ पे एरिया क्या होगा, ये तो आई निकालना, एरिया क्या होगा भाई, इसका इस लूप का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर ये दोनों ही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये माइनस ई वी बाय टू पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों, एक आर आ जाएगा, एक पाई कट जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा माइनस ई वी आर बाय टू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ये। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दो बच्चे, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रीड करो, मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, ट्वेल्थ में देखो बच्चों, ये छोटा सा एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है, हमें कन्वर्जन करना है गैल्वेनोमीटर का मीटर में, मन चाहिए रेंज के। तो अब अगर आप, इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वी हैव टू कनेक्ट अ शंट ऑफ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। ये लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। अच्छा, यहां से करंट आएगा, बढ़ जाएगा, यहां से आई जी, यहां से आई माइनस आई जी जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि दोनों पैरेलल में है, तो इनका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है इसको आर जी मान लो आप, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इसकी आई जी आर जी, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, आई आई जी आई इंटू आर, ये आ जाएगा। शंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, शंट की वैल्यू आ जाएगी आई जी आर जी आई माइनस आई जी। छोटा सा एक्सप्रेशन है एक्चुअली, कोई डेरिवेशन तो नहीं है अच्छा, जबकि वोल्टेज वाला तो कुछ खास नहीं आएगा। तो ये देख लो अच्छा, ये हमारा आखिरी